नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सिंह आपका फिटनेस कोच आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, IUFT के आज के सेशन में आपके आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अल्कलाइन वाटर। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि अल्कलाइन वाटर कहते किसको है। इसको दूसरी भाषा में से मैजिक वाटर भी कहा जाता है। इसे मैजिक वाटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शरीर के सारे रोगों को घटाना शुरू कर देता है जिस हिसाब से पीना शुरू करते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, इसको पूरा मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि जितने लोगों को आप जानते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों तक आपको शेयर करना है, जिससे मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर सकूं, ज़्यादा से लोगों तक फिटनेस के बारे में सही जानकारी पहुँचा के। और दोस्तों, मेरा जो मकसद है वो फिटनेस से ज़्यादा वेलनेस पे रहता है। तो ये जो अल्कलाइन वाटर है, ये आपको हेल्प करेगा आपके वेलनेस के लेवल को अपग्रेड करने में। दोस्तों, हमारी बॉडी में दो तरह के लेवल होते हैं। एक तो आपने देख ही लिया, जिसे हम बोलते हैं अल्कलाइन, और एक को बोलते हैं एसिडिक, और हिंदी में इसको बोलते हैं क्षारीय, और इसको बोलते हैं अम्लीय, अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें देख। और हमारे एक वक्त में एक ही लेवल ज़्यादा हो सकता है। अगर हमारी बॉडी का अल्कलाइनिटी लेवल ज़्यादा होगा तो एसिडिक लेवल कभी भी ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अगर हमारी बॉडी का एसिडिक लेवल ज़्यादा है तो इसका मतलब है हमारी बॉडी का जो अल्कलाइनिटी लेवल है वो कम है। और हमारी बॉडी में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो मोटापा ही क्यों ना हो, छोटी से छोटी प्रॉब्लम या बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वो सिर्फ इस वजह से आती है कि हमारी बॉडी का जो एसिडिक लेवल है वो हाई होता है और अल्कलाइन जो लेवल है वो ऑब्वियसली आपका लो होता है। सारी प्रॉब्लम इसीलिए आती है। इसीलिए जो अल्कलाइन वाटर है, जो भी आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, इसीलिए इसको मैजिक वाटर भी कहा जाता है। मैजिक वाटर, क्योंकि ये जादुई तरीके से आपकी बॉडी से सारी बीमारियों को धीरे धीरे खत्म करने लगता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि अल्कलाइन वाटर आप कैसे बना सकते हैं, और उसके लिए सबसे पहले आपको काम क्या करना है। सबसे पहले आपको वेइंग स्केल में जाके अपना वजन तोलना है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मेरा जो बॉडी वेट है वो है 70 किलो। आप भी अपना बॉडी वेट देखेंगे, आपका बॉडी वेट कितना है, उसके हिसाब से ही आप इस वाटर को तैयार करेंगे। सबसे पहले जब भी मैं जितने लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, वाटर हैबिट की जो मेरी क्लिप है, उसमें सबसे पहले मैंने चीज़ बताई है आपको, जो पानी जो पीना है वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पीना है। तो आपका जो फॉर्मूला क्या है, जितना आपका बॉडी वेट है उसे 10 से डिवाइड करेंगे, 7 आ गया, 2 में से लेस कर देंगे, यानी कि 5 लीटर। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए, यानी कि मेरे बॉडी वेट के हिसाब से आप यहाँ पे अपना बॉडी वेट रख सकते हैं, वो चाहिए मुझे पानी। कितना चाहिए? 5 लीटर। और इसके बाद जो मुझे दूसरी चीज़ चाहिए वो है आपका नींबू। कितना? 1। इसके अलावा चाहिए आपको पुदीने के पत्ते, यानी कि मिंट लीव्स। कितने चाहिए? 10 से 12। फिर चाहिए आपको तुलसी के पत्ते। अब ये कितने चाहिए आपको? 10 से 12। अच्छा दोस्तों, तुलसी के पत्ते, इसके बारे में आपको एक बात बताना चाहूँगा। तुलसी का जो पौधा होता है वो दो तरह का होता है, एक श्याम तुलसी है और राम तुलसी। हालांकि फ़ायदेमंद दोनों ही हैं, लेकिन जो मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपके श्याम तुलसी में ज़्यादा होती हैं। इनमें फ़र्क क्या है, कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे? जो श्याम तुलसी होती है वो थोड़ा सा डार्क ग्रीन होती है, और जो राम तुलसी होती है थोड़ा सा लाइट ग्रीन होती है। तो आप कोशिश करें कि आपके श्याम तुलसी के पत्ते हों, उसमें मेडिसिनल गुण ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए खीरा, यानी क्यूकुम्बर, सीज़न के हिसाब से। अगर गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो खीरा, और सर्दियों का सीज़न चल रहा है तो गाजर। इसके अलावा आपको चाहिए अदरक। बस अभी कितनी चीज़ हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और चाहे तो इसमें आप धनिया भी डाल सकते हैं, धनिया के पत्ते, जो हरा धनिया होता है, हरा धनिया थोड़ा सा अंदाजे से ले सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको ले लेनी है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक ऐसा बर्तन लेना है, कोशिश करें बर्तन कांच का हो, प्लास्टिक का ना हो। आपको क्या करना है, उसमें सारा पानी डाल देना है। मान लो कोई बर्तन है, इसमें आपने पानी डाल दिया, आपने क्या करना है, नींबू के स्लाइसेस बना लेने हैं और इस पानी में डालने, क्योंकि पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसको भी आप ज़्यादा ले सकते हैं, 2 नींबू इसमें ले सकते हैं, और उसके स्लाइसेस बना के आपको इसमें डाल देने हैं। फिर आपको पुदीने के पत्ते भी इसमें डाल देने हैं, तुलसी के पत्ते भी इसमें डाल देने हैं, खीरा इसके भी स्लाइसेस बना के आप इसमें डाल देंगे, अदरक के भी स्लाइसेस बना के भी डाल सकते हैं, और कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, और हरा धनिया वो भी इसमें डाल देंगे। और अब आप कहेंगे इसमें करना क्या है, इसमें करना ही तो कुछ नहीं है, यही तो इसमें खास बात है। इसमें आपको क्या करना है, रात को इस पानी को रखना है सारी चीज़ें मिला के, और सुबह तक इस पानी को ऐसे ही रहने देना है कि 10 से 12 घंटे ये पानी ऐसे ही रहेगा। और सुबह
अगले दिन से जब भी आपको पानी की प्यास लगेगी आपको यही पानी पीना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप पानी पिए हमेशा सिप सिप करके पिए, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है कि ये वाटर तो एल्कलाइन है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा एल्कलाइन है हमारे मुँह की लार यानी कि सलाइवा, वो और ज़्यादा एल्कलाइन है। तो जितनी ज़्यादा एल्कलाइनिटी आपकी बॉडी के अंदर जाएगी आपकी बॉडी का जो एसिडिक लेवल है वो उतना नीचे आएगा। इसीलिए इसको मैजिक वाटर के साथ वेट लॉस ड्रिंक में भी इसको डालते हैं। अब दोस्तों वेट लॉस ड्रिंक जब हम कोई कहते हैं तो ज़्यादा लोग सोचते हैं कि वेट लॉस ड्रिंक पीने का मतलब है कि हमारा वेट कम होगा ही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई भी चीज़ खाने की आज़ादी मिलेगी। कोई भी जब वेट लॉस ड्रिंक की बात की जाती है उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि ये ड्रिंक आपका मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। मेटाबॉलिज्म मतलब BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो वैसे ही ये ड्रिंक भी क्या काम करेगा, आपका जो BMR है वो बढ़ाएगा। BMR का मतलब होता है, हिंदी में इसको चयापचय क्रिया बोलते हैं, यानी आपका जो रेस्टिंग पोजीशन में आपका जो बॉडी है वो कितनी तेज़ी से कैलोरी बर्न कर रहा है। आपने देखा होगा कि कई लोग कम खाते हैं फिर भी उनका वेट लॉस नहीं होता, वेट लॉस तो होता नहीं बल्कि और सारी कई सारी प्रॉब्लम आने लगती हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो जब खाना छोड़ते हैं तो उनका BMR भी नीचे आ जाता है, तो उनकी कैलरी हिसाब से बर्न नहीं होती और उनका वेट लॉस प्रॉपर नहीं होता। तो आपको वेट लॉस का जो कंसेप्ट है उसको समझ के करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें, अपनी आज ही अपने घर में एल्कलाइन वाटर बनाएं, मैजिक वाटर बनाएं और अपनी फिटनेस में जादुई बदलाव पाएं। तो दोस्तों लास्ट में एक अपील और करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और बहुत जल्द मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।